हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज 8A शुरू करते हैं। तो एक इसमें है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो हमें वर्ग समीकरण दे रखे हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है और उत्तर जो आएगा हमारा उसकी जाँच भी करनी है, यानी उसे चेक भी करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा x²-49=0। सॉल्व करेंगे, x²=0 है, यहाँ पर 0 लिखेंगे, -49 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का 49 हो जाएगा, तो x² हो जाएगा 0 प्लस 49 हो जाएगा। तो x² = हो जाएगा 49। देखिए, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, अगर हम वर्ग को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये वर्गमूल हो जाता है। तो ये हो जाएगा x = 49 का वर्गमूल। तो x = हो जाएगा 49 का, हो जाएगा x = हो जाएगा 49 का वर्गमूल, हो जाएगा 7 × 7, 7×7=49, ये 7 का जोड़ा बन जाएगा, x = हो जाएगा 7। देखिए, हमें उत्तर की जांच भी करनी है। तो जांच हम कैसे करेंगे, x का मान अगर हम इस जगह पर लगाएंगे तो = में देखिए 0 आ रखा है, यानी कि x का मान यहाँ पर लगाने पर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। x²-49, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, x = 7 आया तो x की जगह 7 लिखेंगे, 7² - 49, 7² हो जाएगा 7×7=49, माइनस यहाँ पर भी देखिए 49 है, तो 49 - 49 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए, = में भी क्या है, 0 है, x का मान लगाकर हमारा 0 ही आया, इसका मतलब है कि हमारा उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो आंसर में लिख देंगे x का मान क्या है हमारा, एक्स का मान देखिए क्या आया हमारा, 7 आया है। तो इसका दूसरा पार्ट देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है (16x²-9=0)। तो इसे सॉल्व करते हैं, 16x²=0, 16x²=0, या माइनस का 9 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, 16x²=0 प्लस 9 हो जाएगा 9, x²=9। देखिए, 16 यहाँ मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16। देखिए, यहाँ x² है तो x = हो जाएगा 9/16 का वर्गमूल, x = देखिए 9 का हो जाएगा 3×3, 3×3=9 होता है, और 16 का हो जाएगा 4×4। तो ये पेयर बन जाएंगे इसका, x = हो जाएगा 3/4। तो x = 3/4 आ गया। अब हमें उत्तर चेक भी करना है। तो देखिए, अगर हम देखिए दी गई समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम x का मान लगाएं तो क्या आना चाहिए हमारा, 0 आना चाहिए। तो चलिए इसका मान लगाते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, 16x²-9=0, -9। देखिए, x = 3/4 है तो x की जगह हम 3/4 लिखेंगे, 16x की मल्टीप्लाई में x का मान 3/4 है, 3/4 का होल स्क्वायर -9 =
16 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 4 4 16 माइनस 9 देखिए 15 से 15 यहाँ पर कट जाएगा क्या बचा 9 माइनस 9 अब 9 में से 9 घटा दे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड x का मान लगाने पर 0 आया है और राइट हैंड साइड भी क्या है 0 ही है इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है तो अब हम x का मान लिख देंगे x इज इक्वल टू क्या आया है 3/4 चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0 तो इसे सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू 0 ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस बी इधर जाकर प्लस का भी हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस बी हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी देखिए ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा बी अपॉन ए तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ये हो जाएगा बी अपॉन ए का वर्गमूल तो ये आ गया एफ का मान अब हमें चेक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम एफ का मान लगाएंगे और एफ का मान लगाने पर हमारा 0 आना चाहिए तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड पर ये है एफ का मान लगाते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई एक्स देखिए एक्स का मान क्या है बी अपॉन ए का स्क्वायर रूट और देखिए इसका स्क्वायर भी दे रखा है इसलिए हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर लिखेंगे माइनस बी तो देखिए अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है तो ये दोनों क्या होते हैं कट जाते हैं तो क्या बचा यहाँ पर ए मल्टीप्लाई जब ये कट गए तो बी अपॉन ए बचा यहाँ पर क्या है माइनस का बी है मल्टीप्लाई में देखिए ए से ए कट जाएगा क्या बचा यहाँ पर b माइनस बी अब देखिए b माइनस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर x का मान लगाने पर हमारा 0 आया है और राइट हैंड साइड पर भी क्या है 0 ही है इसलिए उत्तर हमारा बिल्कुल सही है तो अब हम x का मान लिख देंगे हमारा क्या आया है x का मान x इज इक्वल टू आया है बी अपॉन ए का वर्गमूल तो इस तरीके से हम इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 4/9x² इज इक्वल टू 1 तो इसे सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ 4/9 को हमें राइट हैंड साइड ले जाना होगा तो क्या हो जाएगा 9 यहाँ पर देखिए डिवाइड में है राइट हैंड साइड जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 अपॉन में देखिए 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9/4 तो एक्स इज इक्वल टू 9/4 हो गया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4 का वर्गमूल x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 का देखिए हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अब इसके जोड़े बन जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऊपर है 3 अपॉन में है 2 तो एक्स इज इक्वल टू 3/2 हो गया अब उत्तर की जांच करनी है हमें तो देखिए यहाँ पर समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड हम एफ का मान लगाएंगे तो देखिए राइट हैंड साइड बंद दे रखा है तो यहाँ पर एफ का मान लगाकर हमारा 1 ही आना चाहिए
देख क्या दे रखा है। फोर अपॉन नाइन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अपॉन नाइन मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स का मान क्या है थ्री अपॉन टू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसलिए थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर अपॉन नाइन मल्टीप्लाई बाई इसका स्क्वायर हो जाएगा थ्री थ्री द नाइन टू टू द फोर। तो देखिए फोर से फोर कट जाएगा, नाइन से नाइन कट जाएगा, क्या बचा वन बचा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक्स का मान लगाकर हमारा वन ही आया है और वन राइट हैंड साइड में भी है इसलिए उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो अब एक्स का मान लिख देंगे, एक्स इक्वल टू है थ्री अपॉन टू। अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव है 64p² इज इक्वल टू 25। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखिए पी स्क्वायर हो जाएगा 64 या मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अपॉन 64। तो यहाँ पर पी स्क्वायर दे रखा है, पी भी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी वर्ग रूट हो जाएगा 25 अपॉन 64। पी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 25 का आप सबको पता है 5 मल्टीप्लाई 5 होता है और 64 का होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 तो 64, 5 5 ज़ा 25, इसी पे जोड़े बन जाएंगे तो पी इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 8। अब देखिए क्वेश्चन हमें चेक भी करना है हमारा आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर पी का मान लगाएंगे तो राइट हैंड साइड देखिए 25 दे रखा है तो 25 ही आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर क्या दे रखा है 64 पी स्क्वायर दे रखा है तो ये हो जाएगा 64। पी का मान देखिए क्या है, पी इक्वल टू है 5 अपॉन 8, 5 अपॉन 8 का क्या है स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 64। अब देखिए इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो 5 का हो जाएगा 5 5 का 25, 8 का हो जाएगा 8 8 का 64। अब देखिए 64 से 64 कट हो जाएंगे, क्या बचा यहाँ पर बचा 25, 25 बचा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर पी का मान लगाने पर 25 आया है और राइट हैंड साइड पर भी 25 है इसलिए पी का मान बिल्कुल सही है हमारा। तो आंसर लिख देंगे, पी इज इक्वल टू क्या है 5 अपॉन 8 है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड। इस वीडियो में बस इतना ही, अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।